हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म दसवीं का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। दसवीं के मुख्य कलाकार हैं अभिषेक बच्चन, यामी गौतम, निमरत कौर, शिवांकित सिंह, परिहर, मनु ऋषि चड्डा, दानिश हुसैन और अरुण कुशवाहा। अब क्या करना चाहते हो? एक पुराना सपना पूरा करने आया हूं। कौन सा वाला बाकी रह गया? दसवीं। अब दसवीं की कहानी क्या है? कहानी यह है कि गंगाराम चौधरी एक पॉलिटिशियन है, हरित प्रदेश नाम के फिक्शनल स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर है। गंगाराम चौधरी का रोल प्ले किया अभिषेक बच्चन ने। वो खुद एक अनपढ़ आदमी है जो कि चीफ मिनिस्टर बन गए, और अपने इर्द गिर्द जितने भी आईएएस ऑफिसर्स या पढ़े लिखे लोग हैं उनको वो कोई खास तवज्जो देते नहीं है। इनफैक्ट वो एजुकेशन को ही खास कोई इंपॉर्टेंस देते नहीं है। अब ये जो पॉलिटिशियन है ये करप्ट पॉलिटिशियन है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गलत काम करने से, और ऐसे ही एक गलत काम के जुर्म में इन्हें जेल हो जाती है। ये टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट के स्कैम के तहत जेल में भेजे जाते हैं कोर्ट के द्वारा, और वहां पे जेल की सुपरिंटेंडेंट होती है यामी गौतम। अभिषेक बच्चन की बीवी का रोल प्ले किया है निमरत कौर ने। जैसे ही वो जेल पहुंच जाते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जगह अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ये पार्ट जो है काफी मिलता जुलता है महारानी नाम की जो वेब सीरीज आई थी उससे। अब जैसे ही निमरत कौर, जो कि एक डोसाइल हाउसवाइफ है, चीफ मिनिस्टर बन जाती है, शी स्टार्ट्स टू शो हर ट्रू कलर्स। उनकी एक अलग पर्सनैलिटी नजर आने लगती है। वहां अभिषेक बच्चन का किरदार जो है जेल में कोई काम करना नहीं चाहते, और काम ना करने का एक्सक्यूज है पढ़ाई करना, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं किसी एग्जाम के लिए उन्हें काम करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। और क्योंकि यामी गौतम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट है और कोई भेदभाव नहीं रखती है किसी भी कैदी में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई और, वो इंश्योर करती है कि अभिषेक बच्चन भी खाली ना बैठे। अब इस काम के चक्कर से बचने के लिए वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, या पढ़ाई करने का बहाना लेके काम करना वो शुरू कर देते हैं। ऐसी एक नोकझोंक में सुपरिंटेंडेंट के साथ यामी गौतम का जो कैरेक्टर है काफी भला बुरा कह देती है अभिषेक बच्चन को, और वहां जोश जोश में वो ये बोल देते हैं कि वो अपनी दसवीं की पढ़ाई पूरी करेंगे और दसवीं में पास होकर बताएंगे। बाहर उनकी बीवी जो है वो अपने ही रंग दिखा रही है। अब उसे चीफ मिनिस्टर बनकर पावर की, अटेंशन की आदत हो चुकी है। अब वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती। इनफैक्ट वो तो चाहती है कि अभिषेक बच्चन का किरदार, जो गंगाराम चौधरी का किरदार है, वो जितने समय हो सके जेल में रहे। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन जोश जोश में ये भी कह देते हैं कि अगर वो दसवीं पास नहीं करते हैं इस अटेम्प्ट के बाद तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और उनकी बीवी जो है बाहर सारे हथकंडे अपनाती है, चाहे वो पेपर टफ करना हो या पहला एग्जाम ही हिंदी का हो, चूंकि गंगाराम चौधरी की हिंदी कमजोर है तो उनका मनोबल टूट जाए, सारे वो हथकंडे अपनाती है कि किसी भी तरह ये पास ना हो। किस तरह से अभिषेक बच्चन एग्जाम की तैयारी करते हैं जेल में रह के, किस तरह से जेल के बाकी भी लोग उनकी लगन देखकर, उनका डेडिकेशन देखकर, उनका कॉन्सेंट्रेशन देखकर उनकी मदद करना शुरू करते हैं, उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं, किस तरह से सुपरिंटेंडेंट भी इस काम में शामिल हो जाती है, और क्या रिजल्ट रहता है फाइनली, वो दसवीं पास कर पाते हैं कि नहीं, जेल के बाहर आ पाते हैं कि नहीं, अपनी बीवी से जो उनके अनबन हो जाते हैं, और जब वो इलेक्शन में आमने सामने खड़े होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली फॉर्म्स अ क्रक्स ऑफ द स्टोरी। कहानी में इंपॉर्टेंस दी गई है एजुकेशन को, और किस तरह से एजुकेशन एक इंसान का हृदय परिवर्तन कर सकता है, उसे एक बेहतर इंसान बना सकता है, उस पर काफी जोर दिया गया है। इंटेंशंस बहुत नोबल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन पुअर है, राइटिंग लेजी है, एग्जीक्यूशन जो है इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो एक तरीके से फिल्म कोशिश कर रही है कि मुन्ना भाई के जोन में रहे, सभी लोग गोल्डन हार्टेड हैं जेल के अंदर, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं अभिषेक को पास करवाने की, अभिषेक खुद किस तरह से अपना हृदय परिवर्तन कर पाते हैं एजुकेशन की वजह से। एवरीथिंग इज वेरी शुगरी स्वीट, बट कुछ चीजें जो है खटकती है। किस तरह से एक डोसाइल हाउसवाइफ जो निमरत कौर रोल प्ले कर रही है, वो चीफ मिनिस्टर बनते ही अपने रंग दिखाने शुरू हो जाती है, पावर हंग्री पॉलिटिशियन बन जाती है, इतना जल्दी ये परिवर्तन कैसे होता है, वो थोड़ा अजीब लगता है। अभिषेक बच्चन का भी ये चैलेंज ले लेना कि वो दसवीं पास करेंगे, समथिंग रियली ह्यूज हैज टू हैपन फॉर हिम टू टेक ऑन अ चैलेंज लाइक दिस। दो तीन छोटी ह्यूमिलिएशन की वजह से इस तरह का चैलेंज ले लेना थोड़ा अटपटा लगता है, गिवन दैट एक पॉलिटिशियन तो यूज टू होगा इस तरह की जलीकटी सुनने को। सो जस्ट बिकॉज दो तीन बार उन्हें किसी ने ह्यूमिलेट कर दिया तो उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, वो बात भी थोड़ा अटपटा लगता है। वो सारा जो अभिषेक का प्रेपरेशन प्रोसेस है एग्जाम के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड लगता है, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, बहुत कैरिकेचरिश लगता है, बहुत मेडअप लगता है, तो वो थोड़ा एक स्क्रिप्ट ऑफ कन्वीनियंस लगती है। जैसा कि मैंने कहा, इंटेंशन नोबल है, आइडिया अच्छा है,
बहुत बढ़िया फिल्म बन सकती थी, बट एग्जीक्यूशन पुअर है. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज मैं कहूंगा अभिषेक ने अच्छा काम किया. इज मच बेटर देन व्हाट ही वाज इन बॉब बिस्वास. देयर इज क्लियरली एन एफर्ट ऑन हिज पार्ट टू लर्न द डायलेक्ट. वो जो हरियाणवी डायलेक्ट है वो उन्होंने सीखने की कोशिश की है. हालांकि एग्जीक्यूशन उसका भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इट्स मच बेटर देन व्हाट ही डिड इन बॉब बिस्वास. उस दरवाजे से सर झुका के घुसूं इसमें, वह उतनी के यो चौधराट की पगड़ी है, झुकती कोनी, पूरा गेट खुलवा. यामी गौतम ने बढ़िया काम किया. अगेन लाइक अ थर्सडे शी इज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट हियर एंड शी इज सक्सीडिंग. उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया. उन्होंने चाहे डायलेक्ट हो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो सभी सही पकड़ा है. निमृत कौर का रोल छोटा है एंड शी कुड हैव गॉटन अ रोल विच हैड मोर ग्रेविटास, मोर कैरेक्टर. जैसा कि मैंने कहा बहुत कन्वीनियंटली उनका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, बट अदरवाइज निमृत कौर ने अच्छा काम किया. उन्होंने भी वो हरियाणवी डायलेक्ट बहुत अच्छे से पकड़ा है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी इन द कास्ट. अरुण खुशवा का काम अच्छा है. मनु ऋषि चड्डा इज वेरी डिपेंडेबल एज यूजुअल. तो कास्ट में एक सिंसियरिटी है विच इज वॉट अपील्स टू द ऑडियंस, बट द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन दैट मच बेटर. एंड जस्ट बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द फिल्म इज नोबल आई वुड गिव द फिल्म अ रेटिंग ऑफ 5.5/10, बट द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन फार मोर इंटरेस्टिंग विच कुड हैव टेकन द फिल्म टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर. एवरीथिंग इज जस्ट too simplified, too sugary, too rosy. So that's it from my side. Agar aapne 10th dekhi hai, to I would love to hear what you think about the film. Aapko film kaisi lagi? Please do share your comments in the comment section below. If you like our review, please do subscribe to our channel. For more such reviews, please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.